लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पप्पू यादव को धमकी दिया गया था, जिसके बाद से पप्पू यादव सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पूर्णिया पुलिस ने पप्पू यादव को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा किया है। आखिर किसने दिया था पप्पू यादव को धमकी और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कुछ कनेक्शन है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से आरोपी महेश पांडे को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोबाइल और वह सिम भी बरामद हुआ है, जिस मोबाइल और सिम से दुबई के नंबर से पप्पू यादव को धमकी दी गई थी। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने दुबई के 97 कोड वाले नंबर से फोन किया था और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि जिस मोबाइल से और जिस नंबर से धमकी दी गई थी वह मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं, इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जिनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कांटेक्ट रहे हैं। इसमें पूर्व में भी मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। पूछताछ में महेश पांडे ने कहा कि वह पहले से भी पप्पू यादव के लोगों के संपर्क में रहा है, पहले भी वह इस तरह के धंधे में संलिप्त रहा है। एसपी ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जब उसने पप्पू यादव का ट्वीट देखा तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उसने सांसद पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस बाबत सांसद ने पूर्व में भी सूचना दी थी, पर आज आवेदन भी दिया था। इस सूचना के आधार पर जांच पड़ताल की गई और दिल्ली निवासी आरोपी महेश पांडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने बताया था कि उन्हें फोन आया था जिस पर धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताते हुए कहा था कि वह उनके बड़े भाई के समान है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में वह न पड़े, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार DGP और IG को मेल कर सूचना दी और जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पूजा है, दिवाली है, सजना है, संवरना है, तो फिर चिंता किस बात की। अब खुल गया है आपके शहर में सत्यनारायण साबरमल लाइफस्टाइल। डिजाइन भी, क्वालिटी भी और कीमत भी हर चीज में नंबर वन। चाहे लड़कों के लिए जीन्स, शर्ट, कोट, सूट और शेरवानी की बात हो या फिर लड़कियों के लिए जीन्स टॉप, कुर्ती, लेगिंग्स, क्रॉप टॉप, स्कर्ट और लहंगा चुनने की बात, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी भी। 70 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साथ आपकी सेवा में तत्पर सत्यनारायण साबरमल, बड़ा बाजार कटिहार, पुरानी दुकान के ठीक पीछे वाली सड़क पर। मोबाइल नंबर 7209748330।